सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। पड़ोसी देश चीन में आयोजित गुआंगझोउ ऑटो शो 2018 के दौरान होंडा द्वारा एक नया धमाका किया गया है। बताया जा रहा है कि होंडा ने इस दौरान अपनी नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कार से पर्दा उठा दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने इसे ई-वर्स V1 नाम से पेश किया है। खास बात यह है कि यह गाड़ी होंडा की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कार है। जानकारी के मुताबिक नई V1 में 120 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिसे 53.6 kWh बैटरी से पावर दी जाती है। इसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 338 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है। इसमें तीन ड्राइविंग मोड नॉर्मल, बैटरी सेवर और स्पोर्ट दिए गए हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 4,308 mm, चौड़ाई 1,824 mm और ऊंचाई 1,625 mm बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह HRV से 13 mm ज्यादा लंबी, 52 mm ज्यादा चौड़ी और 20 mm ज्यादा ऊंची बताई जा रही है। इस गाड़ी को कंपनी ने HRV पर तैयार किया है। फिलहाल इसके भारत में आने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कंपनी इसे भारत में भी लॉन्च करने पर विचार करेंगी। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक को 2019 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 25 लाख रुपए के आसपास कंपनी रख सकती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी पसंद की कार कौन सी है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, तो जल्दी से लाइक के काले से बटन को नीला कर दो जाना।